यीशु पानी पर चलन। 5,000 लोगन के भोजन कैला के बाद यीशु अपनी चेलन से नाय में जाए खातिर कहलन। वो लोगन के झील के दूसरी तरफ ले जाए के कहलन, जबकि वो थोड़ी समय खातिर उहाँ रुक गईलन। तब चेला लोग चल गईले और यीशु भीड़ के विदा कैलन कि उ अपनी घरे जा। एकरी बाद यीशु प्रार्थना करे के खातिर एगो पर्वत पर गईलन। उहाँ उ अकेले रहले और उ देर रात ले प्रार्थना कैलन। वो समय चेला लोग अपनी नाय के खेवत जात रहले, लेकिन हवा उ लोग के विरुद्ध बड़ी जोर से बहत रहे। बहुते रात होइला के बाद भी उ लोग खाली वो झील के बीच में ही पहुँचल रहले जा। वो समय यीशु प्रार्थना कैल खत्म कैलन और अपनी चेलन के पास वापस गईल शुरू कैलन। उ नाय की तरफ जाए के खातिर यीशु पानी की ऊपर चले लगलन। तब चेला लोग उनके देख के उ लोग बहुते डरा गईले और उ लोग सोचले कि उ कौनो भूत ह। यीशु ई जानत रहले कि उ लोग डरा गईल बाड़े, यही से उ लोग के आवाज दे के कहले कि मत डरा जा, हम हईं। तब पतरस यीशु से कहले, हे प्रभु, यदि तू हुआ त हमके पानी पर चले के और तोहरी पास आवे के आदेश द। यीशु पतरस से कहले, आवा। तब पतरस नाव से उतर गईलन और यीशु के लगे जाए के खातिर पानी के सतह पर चलल शुरू कैलन। लेकिन थोड़ी दूर जाके उ आपन आँख के यीशु से फिर लिहलन और लहर के देखे लगलन और तेज हवा के महसूस कैल शुरू कर दिहलन। तब पतरस डरा गईलन और पानी में डूबे लगलन। उ चिल्लाए लगलन, हे प्रभु, हमके बचाव। यीशु वही समय आपन हाथ बढ़ा के उनके पकड़ लिहले। तब उ पतरस से कहलन, तुहार विश्वास बहुते कम बा, तोहके बचल रहे खातिर तू हमरी पर भरोसा काहे ना कैला ह। तब यीशु और पतरस नाय पर चढ़ गेले और तुरंते हवा बहल बंद हो गईल और पानी शांत हो गईल। चेला लोग चकित होके यीशु के आगे घुटना टेक दिहले। उ लोग उनकर आराधना कैले और उनसे कहले कि सही में तू परमेश्वर का बेटा हुआ। मती अध्याय 14 का 22 से 33, मरकुस 6 का 45 से 52, यहुन्ना 6 का 12 से 21 से एगो बाइबिल का हिस्सा